बाबा अम्बेडकर की 135वीं जयंती समारोह मनाने की तैयारी में सभी ग्रामवासी उपस्थित। इसमें कुछ कहने से पहले विश्व में शांति के संदेश देने वाले महाकारुण्य तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, फकीरों, सूफियों को खासकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छात्र साहू जी महाराज, आत्मसम्मान के प्रतीक नारायणा गुरु, संत शिरोमणि रविदास जी, कबीर जी आदि सभी संतों को नमन करते हैं और जिनकी हम जयंती मनाएंगे, जो विश्व के प्रथम विद्वान, भारतीय संविधान के निर्माता और करोड़ों दबे कुचनों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और बाम से डीएस को और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस ग्राम सभा में आयोजित जयंती समारोह मनाने हैं तैयारी के लिए सबसे पहले मैं प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके विचारों में ऐसी विचार आई कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। ये सूचना हम लोगों को मिला, ये पहली बार यहां मनाने आए हैं और इसमें आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसमें लगभग 90% हमारी माताएं बहनें हैं। मैं अपने तरफ से और अपने दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पूरे चरणों में भाग लिया, इसके लिए मैं दोबारा आपको बधाई देना चाहता हूं। और हमारे जो युवा साथी नौजवान इस साइड में बैठे हुए हैं, ये अपना अमूल्य समय निकाल कर हम उनके बीच में आए हैं। मैं इन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं। चूँकि ये कार्यक्रम आज भाषण देने का नहीं है, हम जिन महापुरुष की जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत छोटे नहीं थे, उनकी कहानी 2-4-10 दिन लग जाएगा तभी समाप्त नहीं होना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन लगभग 67 साल के आसपास है और 67 साल जब से वो पैदा हुए उस संघर्षों में और जब तक यहाँ दुनिया को छोड़े तब तक संघर्ष करते ही रहे, हर बिंदु को उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। ऐसे महापुरुष के जो बारे में हमको बताना इतना आसान चीज नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है, जो हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं, आप अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन रही हैं, आप अच्छे मकान बना रहे हैं, वो सारी चीज यानी जो भी हम लोगों का वजूद है वो किनका देन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देन है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये महापुरुषों की लड़ाई 108 वर्ष की है। 108 वर्ष हमारे महापुरुषों ने लगातार मेहनत किया तब जाकर हमको परिणाम मिला। सबसे पहले लड़ाई ज्योतिबा फूले ने लड़ा, मैंने सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का नाम लिया। आप समझिए राष्ट्रपिता जो थे, जैसे अगर हमारे देश में शिक्षा नहीं होती, हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं होगा, तो ज्ञान की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फूले थे। वो 1848 में पहला विद्यालय खोले थे, दोनों पति पत्नी मिलकर सबसे पहले विद्यालय खोले। उसके बाद से छात्र साहू जी महाराज संघर्ष किए, उसके बाद हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किए संघर्ष किए, लेकिन इन लोगों ने मौखिक संघर्ष किया, लिखित संघर्ष नहीं कर पाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ये लोग ज्योतिबा फूले, छात्र साहू जी महाराज और हमारे जो महापुरुष संघर्ष किए, उन सारे संघर्षों का निचोड़ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान लिख करके संवैधानिक तरीके से हमको अधिकार दिया, जिसमें हमें पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया और क्या दिया, धन अर्जित करने का अधिकार दिया, मकान दुकान खोलने का अधिकार दिया। नहीं तो हमारी जो व्यवस्था थी ये कुत्ते से बेहतर थी। आपके गाँव में जो कुत्ते घूमते हैं ना, अगर एक कुत्ता आपके घर में चला जाता था तो वो थाली धो करके लोग खाना खा लेते थे,
लेकिन कहीं हम लोगों की अगर परछाई आ जाती थी तो जानते क्या दुर्दशा होती थी, लाठियों से मार कर हम लोगों के शरीर को खराब कर दिया जाता था, वो दुर्दशा था। तो कुत्ता था ठीक कि नहीं था, वो थाली में खा लेता था फिर भी उसे लोग दूर दूर करके छोड़ देते थे, लेकिन हमको, हम मनुष्य हैं फिर भी हमें मार करके हमें खदेड़ दिया जाता था। हम दिन में नहीं चल पाते थे, रात में चलते थे। दिन में अगर चलते तो ठीक 12 बजे चलते थे, और जब 12 बजे चलते थे इसलिए 12 बजे चलते थे कि जो हमारे शरीर की परछाई है वो मेरे ही ऊपर पड़े, और यही 12 बजे से 1 बजे होगा तो हमारी परछाई कहाँ जाएगी, सीधे आगे जाएगी, अगर और पहले जाएंगे तो इधर जाएगी। तो हमारी परछाई से उनको छुआ जाता था, वो एक समय था। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी परिस्थितियों को झेला था। ये कोई जरूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ होगा, हर जैसे राज्य होते थे और कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाता था। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज मैंने कहा तो जैसे आज मुख्यमंत्री हैं, ठीक उसी तरह छत्रपति हुआ करते थे लोग, उस क्षेत्र के जो राजा होते थे उसे छत्रपति कहा जाता था। तो उस तरह से लोग रहा करते थे और वो अपने अपने राज्य में लागू करते थे। जैसे अभी आप जानते होंगे, आप ही लोग कहते हैं कि हमारे कमर में झाड़ू बांधा जाता था, गले में हांडी बांधी जाती थी और पैर में घुंघरू बांधा जाता था। यहाँ नहीं बांधा जाता था, ये मध्य प्रदेश में बांधा जाता था। वहाँ का राजा दूसरा था, वहाँ पेशवा थे लोग जो हम लोग पर अत्याचार करते थे, और उस अत्याचार से धीरे धीरे हर राज्य के राजाओं घोषित घोषणा करने का प्रयास करते थे। जो हमारे विदेशी रोज राजा राज करते थे वो हमको प्रताड़ना करते थे। जैसे अपने देश में हूण भी आए, मुगल भी आए, तमाम लोग आए राज किए, मुसलमान भी आए, सारे लोगों ने हमें प्रताड़ना का काम किया था। लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेज आए तब कुछ सुधार हुआ। अभी अंग्रेज 10 साल और रहते तो काफ़ी सुधार हुआ होता, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ लिख करके अधिकार मांगना शुरू किए ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। तो कुछ लोग जो हमें गुलाम बनाना चाहते थे वो चाहते नहीं थे कि इन लोगों को पूरा राज्य मिल जाए। अभी हम लोगों के बीच में अजीत जी कह रहे थे हमें 2 वोट का अधिकार था, 2 वोट था, लेकिन गांधी समझ गया कि अगर इन लोगों को 2 वोट का अधिकार मिल जाएगा तो राजा दूसरे हिसाब से हो जाएंगे, इसलिए षड्यंत्र के तहत 1 वोट का अधिकार उन्होंने ले लिया, मेरे पास सिर्फ 1 वोट मिला। तो इस तरह से हम जब सत्ता शासन में आएंगे तभी कुछ हो सकता है। तो इस तरह जिन हम बाबा महापुरुष की जयंती मनाएंगे वो हमें बहुत धूमधाम से मनाना है। तो हमको कैसे मनाना है वो हम सभी को मिलजुल के काम करना होगा। जैसे अभी 14 को बाबा साहब की जयंती है, लेकिन अगर 14 को नहीं मिल समय मिलता है तो आप 15 को मना सकते हैं, 16 को मना सकते हैं, अर्थात आप जो है 6 दिसंबर के पहले तक मना सकते हैं। ये प्रक्रिया है 6 दिसंबर से और 13 अप्रैल तक आप पर निर्वाण दिवस मना सकते हैं, लेकिन इनके पास समय निर्धारित कर दिए हैं कि हमको 15 तारीख को ही मनाना है। तो 15 तारीख को मनाना है तो कैसे मनाना है, ये रूपरेखा तैयार करने के लिए ये पैसा तो लगाएंगे। ये कौन कर रहे हैं भैया? क्या नाम उनका? राम समूज भारती आप ही गाँव के है ना, वो अध्यापक है, उनकी पत्नी भी है, दोनों लोग अध्यापक हैं। अगर अध्यापक हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर संविधान नहीं लिखते तो शायद हम वो मास्टर साहब नहीं हो पाते। हम आपके बीच में दिखाई दे रहे हैं, 5 मतलब इसके पहले मैं प्रधान था, मेरी औकात नहीं कि मैं ग्राम प्रधान होता था, क्योंकि 95 के पहले जब चुनाव होता था तो कौन हुआ था, कोई जो उस गांव का बहुत बड़ा आदमी होता था वो प्रधान होता था, बाकी कोई नहीं हो पाता था। लेकिन वो संविधान की देन है कि यार हर समाज के लोग प्रधान हो रहे हैं, MP MLA सारे व्यवस्था बन गई, इसके पहले नहीं थे, समझ रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष की जयंती हमें मनानी है तो हमें सभी लोगों को मिलजुल कर और शांतिपूर्वक से मनाना है। ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार के अलावा कोई त्यौहार हो ही नहीं सकता हमारा। तो 14 अप्रैल हमें बहुत शालीनता से मनाना है, किसी से कोई विवाद नहीं करना है। यह है कि हम सुबह अगर प्रभात फेरी निकालते हैं
तो समय से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि धूप ज्यादा हो रहा है, तो 7 बजे अपनी तैयारी करके 8 बजे हम प्रभात फेरी लगा। प्रभात फेरी का मतलब हम यहाँ से निकलें, या तो अपने गांव में ही घूम लें, या तो लंबा दिखाना चाहते हैं तो खोटा होते हुए त्रुडियाँ होते अपना सड़क पकड़िए फिर घर चले आइए। तो इस तरह से जो आपकी व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आप काम करेंगे, क्योंकि उसमें अगर ये होगा अगर डीजे वगैरह लिखाएंगे तो आपको परमिशन भी लेना है उसके बाद, तो परमिशन भी ले लीजिएगा। उसमें अगर आप कार्यक्रम संबोधन के तहत कराना चाहते हैं तो कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा, उसमें मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनकी सूची बना लेंगे, उस हिसाब से आप काम करेंगे। और आप सभी, हम तो इस बात के लिए खुश हैं कि इतनी तादाद में लोग जुटी हुई हैं, तो निश्चित रूप से माता सावित्री बाई फूले के सपना साकार हो रहे हैं। माता सावित्री बाई फूले जानते हैं आप लोग? कौन जा रहा है? कोई जा रहा है? कोई नहीं। कौन है बेटा? ज्ञान की देवी। हाँ, ज्ञान की देवी, सही है, विद्या नहीं है, ज्ञान की देवी। ये कौन है? सावित्री बाई फूले। अच्छा, सावित्री फूले बाई फूले क्या कर रही थी? हमारे लिए बहुत सारे संघर्ष रहे कि हमें शिक्षा मिलनी चाहिए लड़कियों को। सही है, इनके लिए भाई दुर्दा तारी कम से कम बहुत खुशी की बात है। कम से कम देखिए, छोटी सी बच्ची है, ये जो भी हो इसका मतलब नहीं है भाई। मास्टर जैसे हम भी बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग जाके बोले होंगे, लेकिन बहुत धन्यवाद है इनके माता पिता को कि ऐसे बच्ची का जन्म दिया, और बहुत अच्छी बेहतरीन मैं भविष्य का कामना करता हूँ। देखिए, जो माता सावित्री बाई फूले थी, अगर उनकी कहानी बताया जाए तो काफी समय लगेगा, लेकिन एक बात जान लीजिए कि माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले, ये दोनों लोग शिक्षा के प्रति, जब शिक्षा का ज्योत जलाना शुरू किए तो उनके माता पिता उनके घर से निकाल दिए थे, ये लोग दूर चले गए थे, फिर भी नहीं माने, वहां पूना में जाकर विद्यालय खोले। तब जाकर बहुत काफी संघर्ष करने के बाद हमें आप महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला, नहीं तो आज भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमको लग रहा 95 के बाद हमारी बच्चियां भी पढ़ने जा रही हैं, महिलाओं को नौकरी भी मिल रही है, ज्यादा भागीदारी हो रही है, तो कैसे वो जानती है? जब पढ़ी लिखी है तभी जा रही, विद्यालय में उनके घर के संस्कार बता रहे हैं तो बच्ची पढ़ती है लिखती है। ऐसे सभी बच्चियों को, अपने सभी जो गार्जियन अपने बच्चों को निश्चित रूप से सब बताना चाहिए, तभी हम आगे जाएंगे। तो इस तरह से हमारे इतिहास बहुत लंबे हैं, तो ये जो कार्यक्रम होगा विचार होगा, लोग आएंगे, वक्ता प्रवक्ता अपनी बात को रखेंगे कि हमें कैसे चलना चाहिए, हम कहाँ से आए। जैसे कहा जाता है ना, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर हैं, तो जब घर द्वार बनता है तो कहते कौन घर बनाया, तो फलाने बनाया, तो कैसे जानते पहले कैसे था? मड़ई था, पहले खपड़ा था, पहले हम किसी कबीले में रहते थे, तो इतिहास जानेंगे ना। तो उसी तरह हम सभी को अपने इतिहास को जानना चाहिए, हम कौन हैं, कहाँ से आए, कैसे आए हैं और कहाँ मुझे जाना है। जब हम इतिहास जानेंगे तो वर्तमान को उसी तरह तैयारी करेंगे और हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो इसलिए हमें सभी साथियों को और माताओं बहनों को अपने इतिहास को जानना अति आवश्यक है। तो इसलिए अपने इतिहास को जानिए कि हमें अब कहना नहीं चाहिए हम देवी देवता किसी और को मानते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, हमको जानने से पहले, मानने से पहले जानना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए, थोड़ी सी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, बिना उदाहरण के काम नहीं होने वाला है। जैसे हमारे दरवाजे पर पंडित जी आते हैं, कथा सुनाते हैं, तो क्या करते हैं? कहते हैं पहले गौरी गणेश बनाओ। किसका बनाओ? गौरी गणेश। किस चीज़ का बनता है? आप लोग ईमानदारी से बताइए, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। गोबर को ले आते हैं, गोबर को ले आकर रखते हैं, और उसके बाद अगल बगल सफाई उफाई करके गोबर रख करके कायदे से उसको तैयार करते हैं, केला डालते हैं और पौधा वौधा ला कर रख देते हैं। अब जरा सोचिए कि वो क्या है? पशु का गोबर, यानी पशु का गंदा है, यानी जब खाता है तो उससे छन के आता है तो जो दूषित पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम गौरी गणेश। जरा बताइए, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो आप मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपके सामने अगर यहाँ कूड़ा लगा दिया जाए गोबर के,
तो क्या सोचेंगे, गोबर के ही बारे में सोचेंगे। उसमें देखेंगे क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे कीड़े दिखाई देंगे और छाटी गोबर दिखाई देगा, छाटी गोबर दिखाई देगा ना, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। लेकिन अगर बाबा साहब की मूर्ति है तो, भगवान बुद्ध की मूर्ति है तो इनके बारे में सोचेंगे कि बाबा साहब कितना अच्छा चश्मा लगाए हैं, कितना अच्छा कोट पहने हैं, कितनी अच्छी मूर्ति है, कौन है, इस तरह सोचेंगे आप। भगवान बुद्ध के बारे में कितना बढ़िया कपड़ा पहने हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं, आपके दिमाग में बात जाएगी। तो जरा सोचिए कि हम समाज से वो लोग गोबर तक पुजवा दिए, लोढ़ा पुजवा दिए, लेकिन कभी चक्की नहीं पुजवाए जिससे हमारा पेट भरता, पत्थर पुजवा दिए जिससे हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन चक्की नहीं पुजवाए जिससे हमारा पेट पालन होता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारे कहने का मतलब यह है, ये मत मानिए जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, आप जरा विचार करिए कि ये जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। हम लोगों के कहने का तात्पर्य है कि अगर पढ़े लिखे आप लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि, देखिए बाबा साहब ने काफी मेहनत करने के बाद तीन चीज देखा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तीन चीज को उन्होंने चर्चा किया। तो शिक्षा क्यों कहे कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो होशियार होंगे, जैसे अभी आपके बीच में अजीत बोल रहे थे, वो पढ़े लिखे तभी बोल रहे थे। आपके बीच में प्रमोद जी हैं, ये हमारे साथ जो आए हैं लोग, ये कुछ पढ़े लिखे समाज में घूम रहे तभी बोल रहे हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के नौकरी ही मिले, पढ़ लिख करके आप होशियार हो जाएंगे तो कोई काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से हमें ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, और उनसे सीख लेना चाहिए, और अपने बच्चों को निश्चित रूप से कुछ मत करिए, लेकिन आप एक टाइम खाना कम खाइए, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। लेकिन फिर भी हम कम खाना खाने के लिए नहीं कहेंगे, इसलिए फिर ये राशन मिल रहा है ना आप लोगों को, पूरा खाइए। लेकिन सवाल इस चीज का है, लेकिन खाइए, लेकिन ध्यान दीजिए क्या है खाने में, वो तो बात करेंगे बहुत दूर जाएगा। लेकिन इस चीज को हमारे कहने का तात्पर्य है कि कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और इसलिए ज्यादा खाइए, जैसे आप लोग खाएंगे नहीं तो दिमाग नहीं रहेगा, जो सफाई करेगा, तो इसलिए उसको समझिए, समझने की जरूरत है। ये बहुत सारी बातें हैं, आप लोग सुने, 14-15 तारीख को और लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, आप लोगों को समझाएंगे, आप समय निकालिए, जब आप जानेंगे तभी ना अपने बच्चों को बताएंगे। अब तक आपने होली दीपावली सारा मनाया, अपने बच्चों को सिखाया, बिना हमारे कहे सबके घर 2-2 किलो मीट आ जाता है, किसी के घर बोतल आ जाता है, किसी घर कुछ भी आ जाता है, लेकिन 14 अप्रैल को तैयारी कराने के लिए मीटिंग करना पड़ रहा है। बताइए हम लोग कितने पीछे हैं, जिनके जिन महापुरुष को जैसे हमारा जिंदा है वजूद है, उनको मनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अभी हमारे साथी जाएंगे चंदा मांगने तो आप कहेंगे अरे बदले नहीं था, आज दीपावली होली के पहले ही तारीख देखिया होली आएगा वहाँ खर्च हो रही कर्जा कराए चलाओ समूह ले लो वहाँ से अपन काम चलाए दारू पहले ला रख लिया 2 दिन पहले ठेकी बात। कारण आपकी गलती नहीं है, वो सारी गलती हमारी है कि हमने आपसे बताया नहीं। पढ़े लिखे लोग अपने तक सीमित रख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बीच में शिव चर्चा वाले आते हैं, निरंकारी वाले आते हैं, और ईसा मसीह वाले आते हैं, वो अपनी बात बताते हैं, समझाते हैं, तो हम वही जानेंगे। लेकिन जब बाबा साहब वाले आएंगे, बाबा साहब वाले समझाएंगे तभी हम जानेंगे। तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं, नहीं मेहनत कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे घर बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, हमारी संख्या पढ़े लिखों की संख्या कम है, इसलिए जब हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी कुछ जानेंगे। तो सबसे जरूरी है पढ़ाई लिखाई, हम बार बार यही कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई। हमारे गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, आज पढ़े लिखे इनके घर माँ बाप हैं, खोजेंगे नहीं लोग कहाँ गए हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि बाबा साहब काम के लिए जा रहे हैं, बाबा साहब के 14-56 जयंती मनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अपना घर द्वार छोड़ करके बाबा साहब के पीछे पड़े हुए हैं। आप स्वर्ग नरक की बात लोग करते हैं, इसमें भी बताइए कि कितने लोग स्वर्ग देख कर वापस आए हैं, किसी ने स्वर्ग देखा है, नहीं देखा, और जिसने देखा वो आया नहीं, आज जो गया वो आया ही नहीं, आज जो है वो देखा ही नहीं,
तो हम कैसे जाने वहाँ का क्या मजा है, यहाँ का क्या मजा है। आया तो समस्या है ना, तो हम जो करेंगे हमको यही मिलेगा। तो जो भी स्वर्ग नरक है यही जीवन है, जो हम दिखाई दे रहा है यही जीवन स्वर्ग नरक है। हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा हमका इज्जत सम्मान मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा सम्मान मिलेगा। तो सब आपके ऊपर निर्भर है, यही स्वर्ग नरक है, ये कुछ नहीं। तो इसलिए हमें स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें अपने आप अच्छे पैसे कमाइए, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनिए, अच्छे संगत में रहिए, अच्छी अपनी बात को कहिए। इस तरह से करेंगे तो आप स्वर्ग ही हैं। जैसे मान लीजिए हमारा परिवार 10 लोगों का है, हम अगर हमारा परिवार खुशहाल है, आपस में सब लोग मिलजुल रह रहे हैं, खाना समय से खा रहे हैं और खुशी पूर्वक रह रहे हैं, तो वही स्वर्ग है। हमारे पास धन दौलत हो, शाम को खाना न मिले, दोपहर को खाना न मिले, बर्तनों में नहीं मसाइल पर खाना नहीं मिले, तो तमाम चीज़ है, तो वह जीवन नरक है। हम ये कैसे अनुभव करेंगे जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब होगा। तो हम अधिक से अधिक अगर आगे परिवार बढ़ता है, घर बढ़ता है, देश बढ़ता है, तो उसमें माता बहनों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग रहता है। क्योंकि क्या करते हैं, अगर पति हैं तो गए कमाए शाम को पैसा ले आके कहाँ देते हैं, अपने घर के देने को देते हैं, देते नहीं देते हैं। और घर पे आप क्या करते हैं, आप ही सब काम करते हैं, खाना आप बनाती हैं, कोई रिश्तेदार आता है तो व्यवस्था आप करती हैं, सारा कुछ आप करते हैं। एक बार बाबा साहब के जीवन के बारे में आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए, 14 अप्रैल मनाइए, बुद्ध पूर्णिमा मनाइए, 6 दिसंबर मनाइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हम मुक्ति नहीं दे सकते, मार्ग बता सकते हैं, तो रास्ता ही बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और इत्मीनान से सुना और इतना समय निकाल के, बहुत सारे लोग भोजन भी नहीं किए होंगे, वो सारा दोस्त मुझे लग रहा है, आपके घर खाना बना हुआ है, बताइए। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने खाना छोड़ के आया, घर दुआर को छोड़ के आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक कहानी में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक संत थे, किसी गांव में गए और जब उस गांव में गए, जैसे हम लोग आए हैं, तो संत आए, भाषण दिए, सबको बताए, बहुत मान सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ, आप लोगों ने खाना पानी सब दिया, इतना बड़ा चावल हेन तेन सारी पैसा वैसा देख हमारी विदाई कर दिया, उस संत की विदाई कर दिया। तो जो संत के चेला थे कहे, महाराज यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ी बात सुने, बड़ी सम्मान किए। तो कहे, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, तो मैं कहना क्या चाहते हैं। तो संत जी कहे कि देखो चेला, हम तो चाहते हैं एक गाँव उजड़ जाए। क्या कहे, संत जी कहे एक गाँव उजड़ जाए। तो कहना अच्छा ठीक हो महाराज, तो उजड़ जाए। फिर दूसरे गाँव गए ना, रात यही सब हुई, वहाँ गए ना तो कौन पूछते नहीं बने, कौन बोलते नहीं बने, कैसे बेचारा अपना रात बूझते बैठे और सुबह उस गांव से निकल लिए। फिर वो गए बाहर तो कहे कि महाराज जी इनके लिए क्या कहेंगे। तो वो कहे कि ये लोग यहीं बस जाए, ये लोग कहीं न जाए, यहीं बसल रहे। तो उनके चेला कहना गजब बात हुआ, अरे महाराज जी वो सब इज्जत किए तो कह रहे उजड़ जा, आज जो इज्जत नहीं किया कहे वो लोग बस जा, इसका कारण समझ रहे हैं। ये इसलिए कहे कि ई जो खराब का माने वो कहीं और न जा, नहीं दुनिया खराब कर दी है। आई जो बढ़िया आदमी माने ई उजड़ जा, मनो ई गांव छोड़ के दूसरे गांव में चल जा, ताकि वहां के भी लोग सुधर जाए। बस समझ में आया। उनके कहने का मतलब यह है कि जो इज्जत नहीं किए वो अपने गांव में वहीं मर जाए, वहीं रहे, कहीं न जाए। लेकिन जिसने इज्जत सम्मान दिया, संस्कार दिया, जो पढ़े लिखे हैं, वो बिखर जाए, गाँव गाँव में जा, फैल जाए, अपनी बात को कहें और समाज सुन लिया। तो हमें आवश्यकता इस चीज़ का है, हमें अच्छे संस्कार उपजने की आवश्यकता है। अभी आपके सामने ये उपासक जी बुद्ध पूजा किए, कृष्ण तंसील किए, वो बहुत सारे कुछ कह लिए। तो इस चीज़ को समझिए कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं इन इन महापुरुषों के माध्यम से शुरू करते हैं, क्योंकि इनसे ही हम हैं, बाकी कोई नहीं। हम लोग किसी देवी देवता का विरोध नहीं करने वाले हैं, चूंकि वो आपकी कमी नहीं है, वो हमारे पहले लोग मानते आए हैं। लेकिन अब पहले जो मानते आए हैं, क्या हम मान रहे हैं? जरा विचार करिए, हमारे पहले लोग तो मड़ई में रहा करते थे,
कोई मरई में है, क्यों छत में रहना चाहता है? वो जानता था मरई नहीं रह पाएंगे, हमको छत में रहना चाहिए। पहले हमारे लोग फटे कपड़े पहनते थे, कौन फटा कपड़ा पहन रहा है? तो इस पर विचार करिए, हमको समय के समय समय के अनुसार परिवर्तन करना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब की जयंती 15 तारीख को मनाना है, तो आप लोग सब लोग तैयार है ना? कितना लोग तैयार है? देखिए आप लोग, जैसे कहा जाता है ना, झलकारी भाई का नाम सुने बहुत लड़ाई लड़ते हैं, आप ही लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। आप लोग लड़ाई लड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सारा जो है हम लोगों का शान किस पर है? वो आप लोगों पर है। अगर आप लोग हम लोगों का साथ नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए आवश्यकता देखिए, इसमें हम लोगों की संख्या क्या है, बात है, हम मिला के मिला जाए तो 10-15 लोग होंगे, आपकी संख्या 30 है, तो बताइए आप लोग को आगे है? तो अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार जरा आप लोग हाथ, दोनों हाथ उठा के, हम तैयार हैं, हाथ उठाइए, तैयार है? चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो हमारे सभी लोग तैयार हैं, अब हम लोग 15 तारीख की दिल पूरा दम के साथ तैयारी करें और इस क्षेत्र के लोगों को दिखा दें कि बाबा साहब के हम भी सेना है, हम भी बाबा साहब के मानने वाले हैं। अभी जग होता है तो हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो है उनका तुरंत उनके माँ बाप क्या करते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, आ नाओ तुरंत जाएंगे उनके घर, कपड़ा खरीद के ले आएंगे, तुरंत बच्चियों को सिलवा देंगे और पूरा लाइन लगा देंगे, गाड़ी बजा लो, पूरा लाइन लगा देंगे। तो वो लाइन लगाने की आज हमारे महापुरुष की जयंती है और मुझे वो काम करने की आवश्यकता है। तो हमें नए कपड़े की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर आपका पैसा है तो नया कपड़ा, नहीं तो जो कपड़ा है उसी को साफ सुथरा फीट फाट के प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा कपड़ा पुराना ही हो लेकिन पूरा टाइट हो, ठीक ना? तो ये सब और कोई बात, अब शेष बात हम 15 तारीख करेंगे, लेकिन हमारे प्रमोद भाई